सोलन को नगर निगम का दर्जा मिल चुका है। सोलन वासियों को नगर निगम बनने से काफी आशाएं हैं और उन्होंने ये क्यास लगाने आरंभ कर दिए हैं कि अब जिन समस्याओं का समाधान नगर परिषद होते हुए नहीं हुआ वे नगर निगम बनने से हो जाएगा। खासतौर पर महिलाएं काफी आशावादी नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि वे पानी, बिजली, खराब सड़कों की स्थिति से काफी समय से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं कम बजट के चलते कई वर्षों से हल नहीं हो पा रही थी। अब उन्हें उम्मीद है कि ये मूलभूत सुविधाएं जो इन्हें मिलनी चाहिए थी अब वे मिल पाएंगी। उन्होंने सोलन को नगर निगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। महिलाओं ने कहा कि अभी तक उनके घर में नल नहीं लग पाया है, पानी लाने के लिए उन्हें सार्वजनिक नल पर जाना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली के कटों से भी वे बेहद परेशान हैं, जिसके लिए वे कई बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है। अब उन्हें उम्मीद है कि इन समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगी और उनके घर पर भी नल लग पाएगा। शहर में सड़कों की हालत सुधरेगी और बिजली व्यवस्था भी पहले से बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से टैक्स का बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन नगर निगम में महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, मैं ममता सरानी सोलन से, मैं सोलन की एक निवासी हूँ। मेरे पास सिर्फ दो या तीन शब्द ही हैं बोलने को, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं नगर निगम बन रहा है सोलन, तो इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि सोलन की स्थिति बहुत अच्छी है, बट अगर आप गांव साइड जाएंगे जो अभी नगर निगम में आ रहे हैं, आंजी चले जाइए, रेबॉन चले जाइए, आप खुद जाकर देखिए, वहां पर इतना अंधेरा होता है रात को कि आपको 8 बजे के बाद जाते हुए भी डर लगता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे माल रोड पे भी कितने कैमराज हैं और कितने चल रहे हैं हमें भी नहीं पता आज तक। तो मुझे लगता है कि मतलब सरकार को इस बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए। जब हमें एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने हैं, हर एक चीज़ हमें पे करना है, तो हमारी सेफ्टी के लिए कुछ तो सरकार को करना चाहिए। लेडीज़ की सेफ्टी के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी जाना हो तो देखो हमारे को कुछ ना कुछ व्हीकल्स तो चाहिए होते हैं, बट अगर वहाँ लाइट्स ही नहीं है प्रॉपरली तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए। और आज जैसे कि आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बिजली के कट इतने लगते हैं, मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है। आप कुछ काम कर रहे हैं उसी टाइम पता चलता है जी बिजली चली गई। अब बिजली चली जाएगी तो काम कैसे बनेगा? मतलब सरकार अगर नगर निगम बना रही है तो उसमें हमारी मतलब पूरी एक प्लानिंग से काम होना चाहिए, ताकि हमारे को आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उससे क्या होगा कि हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। नगर निगम का मतलब क्या है? हमारी सेफ्टी। अगर हम ही सेफ नहीं है तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सा इंसान, एक कॉमन इंसान क्या कर सकता है। सरकार हर चीज़ पे GST, हर चीज़ पे टैक्सेस ले रही है, अब नगर निगम भी आ गया नया। अभी हमारे मतलब हम कोविड से ही नहीं उभरे हैं और अभी ये चीज़ें इस टाइम आ रही है, तो इस टाइम सरकार को अच्छे एकदम स्टेप्स लेने चाहिए। निगम के बढ़ते ही हमें कुछ मालूम हुआ है कि टैक्स भी बढ़ने वाले हैं। टैक्स बढ़ने की वजह से ये है कि जिस तरह से ये टैक्स बढ़ेंगे उस तरह से हमें सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि पानी प्रॉपर आना चाहिए, बिजली ठीक ढंग से होनी चाहिए, और ख़ास यह है कि जो सफाई ढंग से नहीं हो रही है, सफाई भी ढंग से होनी चाहिए। हमारे घर के पास पार्क है जिसमें कि हम सुबह शाम जाते हैं, बुजुर्गों को भी मुश्किल होती है, इसलिए पार्क को अच्छा सा बनाया जाए, उसकी अच्छी सी सफाई की जाए ताकि लोग अच्छे से वहाँ पर जाए। और टैक्स हम तभी पे करेंगे जब ये अच्छे से सुविधा हमें मिलेगी।